नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी, मेरी साथी ज्योत्सना पाटनी। हर इंसान खुशहाल और सेहत भरी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा हो नहीं पाता और इसके लिए बहुत हद तक हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। अक्सर खराब लाइफस्टाइल और लो इम्यूनिटी बीमारी की वजह बन जाती है, लेकिन कई बार खतरनाक बीमारी के पीछे कुछ और भी वजह होती जिसको हम समझ ही नहीं पाते। और ऐसी ही एक वजह है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। आपके शरीर में कहीं भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो सकता है जिसका आपको पता ही नहीं चल पाता। बिल्कुल सही कहा हुसैन आपने। हमारे शरीर में कान, कंधे, कोहनी, स्पाइन, इसके अलावा इंटेस्टाइन, हिप बोन, घुटने, एड़ी, तमाम ऐसे जॉइंट हैं जिनका अनजाने में संतुलन बिगड़ जाता है और ये इम्बैलेंस कई बीमारियों जैसे कि पार्किंसन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कोलाइटिस, डाइजेशन प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसऑर्डर की वजह बनता है। कई बार तो लो इम्यूनिटी की वजह से भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता है। बिल्कुल ज्योत्सना, और शरीर के ये तमाम स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस तभी ठीक होंगे जब हम अपनी जिंदगी को योग के जरिए बैलेंस कर लेंगे। और यह संभव बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी, आज क्या हो रहा है? आज नापतोली हो रही है। अच्छा। यानी शरीर का जो बैलेंस बिगड़ जाता है उस बैलेंस को ठीक करने की कोशिश होगी आज। अब देखो, ये ब्रह्मचारी इसको पता भी नहीं है किसकी नाभि डिगी भी है। आज करोड़ों लोगों को मैं एक साथ ये बताना चाहता हूँ जो है किस तरह से आप अपने खुद का बैलेंस चेक कर सकते हैं। अब देखो, मैंने समान रूप से ये नाभि के ऊपर प्रेशर दिया ऐसे, और ऐसे ये चेक किया इधर नाभि से। पुरुषों को तो ऐसे चेक कर सकते हैं, नाभि से स्तन की दूरी कितनी है ऐसे। अब ये इधर भी इतना ही प्रेशर दिया, इधर भी इतना ही। अब ये करीब आप खुद देख रहे हैं, कम से कम एक इंच का फासला है। इस ब्रह्मचारी को तो नहीं पता था इतना इसके अंदर फासला है। ये समान रूप से प्रेशर है नाभि के ऊपर, और जो है ये आप देख रहे हो, ये एक इंच का फासला है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका होता है इसका, पैर पास में रखो। अब आप भी जरा हटाओ चादर, इसका भी चेक कर लेते हैं, पता लगेगा कि मामला कैसा है। हाथ ऐसे सीधे करो, पैर पास में करो। इसका ठीक है करीब, इसका करीब, उसका करीब एक इंच डिगा हुआ था, इसका दो सूत के करीब डिगा हुआ है। दूसरा इसका तरीका होता है हाथ में, पैर में, पैर में भी बता देते हैं, हाथ में बाद में बताएंगे। पैर में अब जैसे इनका इधर का हिस्सा, बाईं तरफ का हिस्सा एक इंच ऊपर है। अब पैर में भी देखिए आप, ये देखो, ये हमारा बहुत फिट ब्रह्मचारी है, करीब 14 फीट लंबी ये कूद करता है। अब देखो, आप दोनों पैरों के अंगूठों को देख रहे हैं, ये अंगूठा जो है ऐसे बाहर निकला हुआ है और ये अंदर चला गया, यहाँ भी बैलेंस भी करता है। ये दो तरीके, अभी तीसरा हाथ में भी बताएंगे। अब ये जिधर पैर ऊपर था, अब ये बिगड़ने से सर्वाइकल स्पोनाइटिस, के शाटेपा लोमा स्पोनाइटिस, फिर एंक्लोजिंग स्पोनाइटिस, पार्किंसन, पैरालिसिस, और भी घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, फिर बीपी, शुगर, लो बीपी, हाई बीपी, अंडरवेट, ओवरवेट, और बॉडी के साथ फिर माइंड का भी बैलेंस बिगड़ता है, फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फिर सुसाइडल टेंडेंसी, ऐसी चीजें आती हैं। अब ये इधर ऊपर था ना, अब इसको पैर को ढीला छोड़ो बेटा, बिल्कुल ढीला छोड़ दो। यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे ऐसे ढीला छोड़ा, और ऐसे ढीला छोड़ करके अब ये थोड़ा सा जानकार व्यक्ति करना चाहिए, ऐसे ऐसे मारा जोर से झटका, ऐसे झटका लगा तो एक या दो बार करने से ही अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है। अच्छा स्वामी जी, ऐसे करने से ऐसे थोड़ा पीछे हो जाओ, ऐसे ये
नाभि ठीक करने का एक तरीका मैंने बताया जी, और इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस का पता लगता है। अभी करीब मात्र, पहले आप देख रहे थे यहां तक था, अब ये यहां तक आ गया है, अभी थोड़ा बाकी रह गया। पहले 1 इंच के करीब फासला था, अब वो घट करके 2 सूत के करीब रह गया है। अब इसका दूसरा तरीका है इसको ठीक करने का। आप सोच रहे होंगे पूजा पाठ की क्या सामग्री रख रखी है स्वामी जी ने आज। तो इसका एक तरीका यह है, नाभि के ऊपर ये दीपक रख दिया। अब ये दीपक जो है ये उसी के पेट पर रखा जाएगा जिसका बैलेंस ठीक हो। नहीं तो इसका दूसरा तरीका है, ऐसे आटे का दीपक बना लो, आटे का ऐसे दीपक बना लिया, और दीपक बना करके ऐसे ही गोल गोल सा बना दिया, बस ऐसे बना करके, और इसमें कपूर रख दिया, और कपूर रख करके उसको जला दिया जी। और जला करके फिर अगला कार्यक्रम जोरदार है जरा, कि ये सब कार्यक्रम क्या हो रहा है आज। कार्यक्रम सारे आपके जोरदार हैं स्वामी जी, और मैं तो हैरान हो रहा हूँ, मैंने नाभि की सटने के बारे में तो सुना था। स्वामी जी, अच्छा आपने आटे का दीपक बनाया, उसमें जोत रखी और उसे जला दिया, या कपूर रखा स्वामी जी? गिरा तो नहीं इधर उधर कपूर, और एयर लॉक कर दिया अभी है देखो के जरिए। अब ये हाँ, अब इससे फिर वो एयर का प्रेशर बनता है। अब कई बार ना बने एक बार में, अब जैसे थोड़ा तो बना इसका हाँ। लेकिन पूरा जोर से नहीं बन पाया, तो दोबारा से लगाना पड़ेगा इसको जो है। ऐसे ये कार्यक्रम करना पड़ता है, ऐसे जमा करके ऐसे रख देते हैं ठीक से जोर से। ऐसे जोर से नहीं रखेंगे, अंदर की पूरी ऑक्सीजन जब तक नहीं जलेगी, ऐसे थोड़ा सा मैंने पहले हल्का हाथ रखा था। अच्छा स्वामी जी, तो पूरा जम नहीं पाया था, अब इस बार पूरा जम गया है। अब इससे पूरा का पूरा नाभि का बैलेंस हो जाएगा। ये तो एक तरीका बताया, दीपक रख करके, अथवा जो है ये मैंने इसमें ग्लास भी रख देते हैं, कांच का एक ग्लास लेकर के आओ बड़े वाला। स्वामी जी, तो आपके ब्रह्मचारियों को नहीं पता चल पा रहा है, तो हमारे जैसे लोगों को और जो लोग देख रहे हैं उनको पता कैसे चलेगा कि उनको स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की कोई शिकायत है? क्योंकि मैंने आज तक कभी खुद को चेक नहीं किया कि कोई इम्बैलेंस है मुझमें। ज्योत्सना, आपने कभी चेक किया क्या? नहीं, मैं तो सुना बहुत था, लेकिन आज नाभि के संज्ञान के बारे में हमने सुना जरूर था। अच्छा स्वामी जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, आप भी हमारे दर्शकों से रिक्वेस्ट करें कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये एक्सपर्ट सुपरविजन में होना जरूरी है, किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं, आप खुद ये देख कर घर में ना करने लगे। ना घर में करना है ये। अच्छा ज्योत्सना जी, लेकिन हाँ, लेकिन अब दीपक रखते समय सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना। हाँ, पेट नहीं जला देना। हाँ। आपने दीपक रखने के चक्कर में पेट ही जला डाला और पॉलिस्टर वाले कपड़े पहन करके किया कार्यक्रम, तो पता लगा कि पूरा मामला ही गड़बड़ हो गया, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। आप कहेंगे कि ये डोरा गंडा क्या बांध रहे स्वामी रामदेव, तो अब इसकी नाभि ठीक कर दी है, और नाभि ठीक करने के बाद में ऐसे ये धागा बांध देते हैं। आपने देखा होगा भूतों को ऐसा ये धागा बांध करके, आपने देखा होगा जी कि धागा क्यों बांधते हैं। तो ये जो धागा बांधने का जो कारण है वो कोई कर्मकांड नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तकनीक है। अब मैं आपको जो है देखते इस ब्रह्मचारी का टिकता है कि नहीं टिकता। दीपक गया, अब ऐसे दीपक भी लगा सकते हैं, लेकिन अब दीपक में देखो यही गिर गया, घी गिर गया इसका नाभि के अंदर। वैसे नेपकिन देना भाई, वैसे नाभि में घी भी लगाना चाहिए, ये भी एक चिकित्सा है। हाँ।
अच्छा स्वामी जी, इसका साइंटिफिक आधार क्या है? इसके अलावा पता कैसे चलेगा कि स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है बॉडी में? पता ये चलेगा जब बार बार उल्टी दस्त लग रहे हैं, जब व्यक्ति को बार बार कब्ज हो रहा है और बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, बार बार जो है उसका फिजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है, गिर जाते हैं कई बार, और कई बार बुखार उतर ही नहीं रहा है, दवाई कर रहे हैं और फायदा नहीं हो रहा है। इसके पूरे तौर तरीके मैं बताने से पहले एक बार आपको ये बता के दिखा रहा हूं, पहले तो दिख नहीं रहा था, अब ये दिखेगा ऐसे, आप देख रहे हैं, ये देखो ऐसे करीब तो 1-1.5 इंच इसका पूरा जो है पेट फूल गया, इसके अंदर आ गया ग्लास के अंदर, दिख रहा है ना? जी जी, कहां दिखा रहे हैं? पूरा 1-1.5 इंच पेट इसके अंदर ग्लास के अंदर आ गया है। ये तो कार्यक्रम बताया आपको, एक हमारे यहां पर जो परंपरा से चलता है। अब ये तो भाइयों के अंदर कार्यक्रम बताया, अभी बहनों में इस कार्यक्रम को कैसे देखना, उनका तो ऐसे ना तो संभव हो पाता है और ना वो तरीका ठीक है, तो बहनों को कैसे ना भी देखना, तो देवार्चना जी इधर आओ, और इनकी भी नाभि डिग गई थी, बैठो इधर बैठो। अब बहनों को कैसे चेक करना, भाइयों का तो बहनों का भी पैरों से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हाथों से भी चेक करने का एक तरीका होता है, ऐसे पीछे से दोनों ये रेखाएं मिलाई, और यदि आगे सही हो, अब इसको वहम हो रखा था कि मेरी नाभि डिग गई है, लेकिन अब ऐसे हाथ रखो, देखो इसकी नाभि डिगी भी नहीं है क्योंकि ये दोनों रेखाएं मिली हुई है। यदि ये पीछे वाली रेखाएं, ये रेखाएं मिलाने के बाद यदि आगे वाली ये ऊपर वाला पोरवा ऐसे रहे आमने सामने, तो इसका मतलब नाभि डिगी हुई नहीं है। मुझे और लगता ये डिगने पर ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है, पीछे से मिला हुआ होता है। आप अपनी चेक करो हुसैन भाई। जी मैं चेक कर रहा हूँ स्वामी जी, और हमारे बिल्कुल स्ट्रक्चरल बैलेंस के जितने भी दर्शक हैं जी, वो सब भी अपना स्ट्रक्चरल बैलेंस चेक कर सकते हैं। एक तो ये तो हाथों से पैरों से पता लगेगा, बीमारियों के आधार पर मैं इससे करीब 50-100 बीमारियां होती हैं उसको मैं एक एक करके बताने वाला हूं। ये ऐसे मिलने के बाद और फिर बैलेंस ऊपर, ये जो है पोरवा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए स्वामी जी, ऐसे पैर के जो अंगूठे हैं स्वामी जी, ज्योत्सना की गड़बड़ लग रही है, पैर के एरिया ऐसे, मुझे लगता है मेरी थोड़ी सी डिगी हुई है, नहीं रहनी चाहिए, तो आपके नाभि डिगी भी नहीं है बेटा तो बैठो जाओ हमारे। अच्छा, स्वामी जी, अब इनको हाँ। नाभि डिग जाती है तो इन बेटियों को एक दूसरा उपचार करते हैं, हमारी एक उधर दूसरी योगिनी है देवादिति जी साध्वी, ये एमटेक करके साध्वी बनी है और माने साइंस को तो जानती हैं, ये टेक्नोलॉजी को तो, लेकिन योग साइंस में और ये जो हमारी ट्रेडिशनल साइंस है उसमें भी एक्सपर्ट है। तो अलग अलग जगह आपने देखा होगा कुछ लोग दाने लगा देते हैं, कुछ धागे बांध देते हैं जैसे मैंने बांधा, तो स्वामी जी लेकर के आई हो तो अभी आप यहाँ से मूंग के दाने और सब लगा करके तब तक इनको सजा करके तैयार रखेंगे स्वामी जी, तो ये भी एक तौर तरीका है। तो अभी आप यहाँ इनको जी लेट जाओ आप स्वामी जी, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस शरीर में है, उसे चेक कैसे करना है ये तो आपने बता दिया, दाने लगाने, लेकिन अब आपके लाखों चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं, वाला बताते हैं जी, आपके लाखों चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं कि योगाभ्यास के जरिए आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इससे कैसे बचे रह सकते हैं। ये तो मैं भूल ही गया कर्मचारी का पेट का बुरा हाल हो रखा है अरे ये छुट्टा ही नहीं
पूरा 2 इंच आ गया ऊपर। अब इम्बैलेंस की शिकायत बिल्कुल खत्म हो गई होगी। ये तो चलो अब बेटियों को कैसे करना है वो पूरी तैयारी कर लेंगे। ब्रह्मचारियों अब आप ये साजो सामान इकट्ठा करो, मेरे साथ योगाभ्यास करो। चलो देखो अब ये स्ट्रक्चरल बैलेंस कैसे बिगड़ता है। एक तो पैर से जब किक मारते हैं मोटरसाइकिल में उस समय बिगड़ता है, जब बाल्टी से वजन उठाते हैं उसी समय बिगड़ जाता है, ज्यादा भारी एक्सरसाइज करते हैं जिम के अंदर अलग प्रकार के बाइसेप ट्राइसेप सिक्स पैक बनाने के चक्कर में, वेट लिफ्टिंग आदि करते हैं उससे बैलेंस बिगड़ता है, गलत तरीके से बैठने से गलत तरीके से सोने से बैलेंस बिगड़ता है, बहुत ज्यादा जिनके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं उससे बैलेंस बिगड़ता है। मतलब कई बार जो है रोड पर चल रहे हो और एकदम से ब्रेक लगा दिया उससे बैलेंस बिगड़ जाता है, जो मोटे मोटे गद्दे हैं उन पर बैठने से बैलेंस बिगड़ता है। अब ये कितने कारण है उसमें से कोई भी कारण हो सकता है। चलो अब ये अभ्यास है स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। पहले तो ये ताड़ासन, दोनों ब्रह्मचारियों का बैलेंस तो मैंने फर्स्ट क्लास कर दिया, एक का लोटा लगा करके और एक का ग्लास लगा करके। एक बार तो ब्रह्मचारी घबरा गया था, ये तो करीब 2 इंच पेट चला गया ग्लास के अंदर। तो ये ताड़ासन आराम आराम से करना होता है एक अभ्यास, फिर इसी में ये तिर्यक ताड़ासन आराम से करें। बैलेंस को ठीक करने के लिए स्ट्रक्चरल बैलेंस एक शब्द प्रयोग होता है, इसके गड़बड़ होने से सर्वाइकल स्पोलाइटिस, लेफ्ट डिस्क, फ्रोजन शोल्डर, एंकोलॉजिक स्पोलाइटिस और ये तो साधारण रोग है, पार्किंसन, पैरालिसिस और लंबे समय तक ये बीमारी रहती है तो SLEMS ऑटोमन डिजीज जैसे हो जाते हैं बीमारियां। तो एक अभ्यास तो था ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। दूसरा वृक्षासन, ऐसे एक 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 अभ्यास को एक एक मिनट करना है। आज तो हम अभी क्योंकि काफी वक्त हमें इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बताने में लग गया था जी, तो आज हम 10-10 सेकंड करके बताएंगे। एक एक अभ्यास ऐसे एक एक मिनट करना अनिवार्य है। एक एक मिनट करने से अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। और मैं कह रहा था जब कोई कारण ना हो और बीपी हाई हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, वजन एकदम से घटने लगा है, वजन एकदम से बढ़ने से लगा है, ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो डायग्नोसिस के तरीके हैं T4, T3, TSH का इम्बैलेंस हो गया है, ये बीपी बढ़ गया पता लगा, आर्टरीज के अंदर वेंस के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ये बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, शुगर घट गई, बीपी बढ़ गया, बीपी घट गया, वेट बढ़ गया, वेट घट गया, ये जो ये हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे और बहुत से कारण होंगे, इसमें सबसे बड़ा कारण है स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए ये भी बहुत जरूरी है पादहस्तासन। बहुत बड़ा कारण है ये नाभि का डिगना जो अभी बताया था, और स्ट्रक्चरल बैलेंस पूरा स्ट्रक्चर के साथ एनर्जी का बैलेंस बिगड़ जाता है, फिर लोगों को बार बार सर्दी जुकाम बुखार, लो इम्यूनिटी। अब कितने बड़े बड़े रोग हैं, माथा घुटनों से ऐसे लग जाए, ऐसे आराम से एक एक आसन को ऐसे एक एक मिनट तक करना है, ये पादहस्तासन। फिर ऐसे आराम से थोड़ा सा अर्धचक्रासन, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। इतने अभ्यास पर्याप्त है खड़े होकर के, इससे आगे भी कोई करना चाहे तो ऐसे ये आसन भी कर सकते हैं। एक मिनट तक ऐसे बैलेंस बनाना पड़ेगा ऐसे। दस सेकंड से शुरू करें, धीरे धीरे एक मिनट तक चले जाइए स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। अब देखो स्ट्रक्चरल यदि बैलेंस ठीक नहीं है तो आगे झुकने के बाद माथा घुटनों से नहीं लग पाएगा, तो कोशिश करें ऐसे आगे झुक करके पहली अंगुली से और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ा और आगे झुक करके माथा घुटनों से लगा दिया। और साथ ही साथ आज बहुत जबरदस्त कार्यक्रम है,
कि इसमें जो भी हमारे परंपरागत तौर तरीके हैं कुछ तो मैंने शुरू में बता दिया आपको, एक्यूप्रेशर अभी और शेष है वो मैं आगे बताने वाला हूं जी। अब वज्रासन में बैठ जाएं। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया था हमारी पूज्या साध्वी देवादीति जी, ये हमारी ऐसी बहने हैं जो योग विद्या में पूरी निष्णात हैं, अंगूठा अंदर अंगूठिया पूर्ण मुठियाबद्ध। ये नाभि के डिगने से क्या क्या बीमारियां होती है वो भी मैं बताता हूँ। अब कोशिश करते हैं हम आधा मिनट तक करेंगे क्योंकि हमें 10 आसन करने, 10 मिनट का समय हमारे पास। आज ही सांस बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे। पूरे देश के करोड़ों लोगों का स्ट्रक्चरल बैलेंस, उनका स्ट्रक्चर करेक्टर, उनके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमें अच्छे करने हैं। कैसे करने जरा देखें। आगे झुक करके 1 मिनट रुक गए, ऐसे नाभि के दोनों ओर लगाए थे अंगूठे मुठिया, आगे झुक करके छाती घुटनों से लग गई, कमर सीधी, अब ऐसे हो जाती है। देखो पूरे झुकने के बाद अब देखो, जिन लोगों को पेट में बार बार गैस बनती है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, कुछ लोगों को खाने के बाद गैस बहुत बनती है, फिर सही समय पर शौच नहीं होता है, किसी को खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाना पड़ता है, खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाना पड़े तो हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है उसकी मृत्यु नजदीक है, वो लंबा नहीं जी सकता, वो शक्तिहीन हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। तो खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाना, ये कहने को कोलाइटिस बीमारी है लेकिन ये स्ट्रक्चरल इंबैलेंस के कारण से है। इसके लिए एलोपैथी में कोलाइटिस की कोई दवाई नहीं है, इसकी दवाई यही है जो मैं बता रहा हूं अभी। आयुर्वेद में ठीक हम देते हैं, कुर्जा, रिष्टकूटस, घनवटी, बिल्व का चूर्ण बताते हैं, तक्रकल्प बताते हैं, हम ठीक कर देते हैं। 1 मिनट तक ये आज ही आसन कर ले, आज से ही कोलाइटिस में फायदा। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन। खाने के बाद यदि शाम को आपने खाना खाया, मान लीजिए 7-8 बजे, और सुबह 4 बजे उठ करके टॉयलेट नहीं हुआ, माने सुबह का खाया हुआ शाम को खाया हुआ सुबह यदि आप फ्लैश नहीं होता है, उसमें से जितने न्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं 8 घंटे के अंदर पूरा साइकिल पूरा हो जाता है। 6 से 8 घंटे के अंदर साइकिल जब पूरा हो गया, अलग अलग पदार्थों का अलग अलग डाइजेस्ट होने का टाइम है, तो 6 से 8 घंटे के बाद तो आपको टॉयलेट होना चाहिए। यदि नहीं हुआ है कम से कम 1 बार नहीं तो 2 बार टॉयलेट जाना चाहिए सुबह शाम। नहीं जाते क्यों? ये तो 99% लोगों का स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक नहीं है, उसके कारण से कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस है। बायां हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर, देखो ऐसे 1 मिनट तक ये करना। अभी बहुतों को करते समय पेट में गुड़गुड़ की आवाज आएगी, दाएं बाएं तरफ आम भाषा में बोला जाता है नले भर गए, गुजराती में बोलते हैं पीछोटी खिसकी गई, और हिंदी में बोलते हैं नाभि धरण डिग गई, अंग्रेजी में बोलते हैं जो सोलर प्लेक्सस है हमारा, योग में बोलते हैं नाभि चक्र, मणिपुर चक्र हमारा गड़बड़ हो गया। कल हम बता रहे थे तो एक भाई ने बोला, स्वामी जी मैंने 2 महीने में 23 किलो वजन कम कर लिया है, क्योंकि नेपाल सहित पूरी दुनिया में इंडिया टीवी का फेसबुक पर भी कार्यक्रम देखते हैं जी। तो पेट में चर्बी भराए को छे स्वामी जी, तो मैंने कहा प्राणायाम तो करो ही साथ में ये मंडू का आसन भी करो। स्वामी जी फेसबुक पर ही क्या बोलते हैं नेपाली में भाई? स्वामी जी आपके एक दर्शक जानना चाहते हैं, नाभि बोलते हाँ स्वामी जी, आपके एक दर्शक जानना चाहते हैं कि नाभि खिसकने का को ठीक करने के जो तमाम उपाय आपने बताए हैं वो सुबह सुबह के समय ही करने हैं, नहार मुंह करने हैं, या किसी भी समय कर सकते हैं खाने के पहले? हाँ, ये खाली पेट करने, कभी कोई नाश्ता नुश्ता करके पराठे पुराठे ठोक ठाक करके और हलवा पूरी खा करके नाभि ठीक नहीं करने और सुबह का समय बेहतर है? खाली पेट करना है सुबह, शाम को करना चाहे तो दोपहर के खाने के 5-6 घंटे बाद करें, शाम को खाने के पहले, सुबह खाली पेट। तो ये 1 मिनट तक आगे झुक करके रुकना। फिर दूसरा इसका तरीका है, देखो दोनों घुटने सामने मिले हुए, एड़ियां पंजे ऐसे बाहर निकाल दिए ऐसे, अब पीछे ऐसे झुक गए, और पीछे झुक करके फिर पूरी कमर जमीन से ऐसे टच हो जाए, करो ब्रह्मचारियों, कमर सीधी करो, एड़िया बाहर निकाल दो, एड़िया पूरी बाहर, पंजे बाहर, एड़ियों पर नहीं बैठना है,
और कमर सीधी होनी चाहिए, दोनों हाथ ऐसे जंघाओं के ऊपर, गर्दन सीधी, घुटने सामने से मिले, अभी घुटने पास में रखो बेटा, हाँ ऐसे, अभी यह अच्छे योगाभ्यास करते हैं, मैंने कहा लॉन्ग जंप 15 फीट तक लगा लेते हैं, लंबा जंप लगाने से भी कई बार नाभि डिग जाती है, इसलिए इस ब्रह्मचारी की डिगी भी थे हमारे, ये नेपाल के ब्रह्मचारी हमारे, और इनकी नाभि डिगी हुई, इसका दूसरा प्रमाण है इनकी एक अभी करीब 1 फीट ऊंची है अभी कमर, ये कमर जो है ना जमीन से टच कर जानी चाहिए ऐसे, देखो ऐसे, मेरी भी थोड़ी सी तो अब उम्र के साथ थोड़ा सा तो बैलेंस बिगड़ता ही है, पूरा तो नहीं, नहीं स्वामी जी, ये देखो तो मेरे से आधी उम्र वाले, ये आधी उम्र वाले फिर भी ज्यादा बैलेंस बिगड़ा हुआ था, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ये आगे झुके तो मंडूक आसन, पीछे के तो सुप्त वज्रासन, ऐसे ही पद्मासन में बैठ करके भी ये बैलेंस को, स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत जरूरी है। अब मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, 5 से 10 साल पहले पता लग जाता है कि आपको बीपी होने वाला है, शुगर होने वाला है, थायराइड की प्रॉब्लम होने वाली है, हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है। इधर आओ ब्रह्मचारी। अच्छा स्वामी जी, देखो अभी मैं आसन तो बता ही दूंगा जी, जो है इधर बैठो, ये आपको एक बात और, पद्मासन में बैठो, आपको ये बताने वाला हूं कि 5 साल पहले कैसे पता लगाएं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है कि नहीं, होगी तो फिर तो सीधा स्टेंट कर लगाना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, आप इनको लगाओ, ये जो है ये किस तरह से लगाए जाते हैं, थोड़ा साइड में बैठो तुम तो, ऐसे आमने सामने बैठ गए जैसे एक दूसरे की पूजा पाठ करने वाले हो, तो ये अलग अलग प्रकार से ये भी कार्यक्रम चलता रहेगा, वो बता रहे हैं हम, वो उधर कैसे नाभि डिग जाती है तो कैसे अलग अलग प्रकार के मूंग के दाने लगा देते हैं, गेहूं के दाने लगा देते हैं, और उसके द्वारा फिर किस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं वो भी बता रहे हैं, जरा वो भी देख लेंगे, और इधर आसन भी बता दे रहे हैं, तो वो कार्यक्रम पूज्य हमारी साध्वी देवादिति जी कर रही हैं, उनको सिखाया हुआ है। अच्छा स्वामी जी, मेरे पास कुछ सवाल आ रहे हैं, और जब कोई अपने माता पिता के बारे में सवाल पूछता है तो उसको शामिल करना बड़ा जरूरी हो जाता है, हमारे एक दर्शक विकास चौधरी जानना चाहते हैं कि उनकी माँ की कमर में बहुत तकलीफ रहती है, बहुत दर्द रहता है कमर में, और डॉक्टर ये कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी कहीं घिस गई है कुछ, इस दर्द से इस तकलीफ से उन्हें कैसे निजात मिल सकती है? उनको दूध में हल्दी, शिलाजीत, चंद्र प्रभावटी दो दो गोली और अश्वशिला दो दो गोली, पीड़ांतक भी दो दो दे दे, तो चंद्र प्रभा, अश्वशिला और पीड़ांतक, ये पेन किलर नहीं है, ये कार्टिलेज जो घिसे हुए उसको रिज्यूनेट करने के लिए, तो पीड़ांतक, अश्वशिला, चंद्र प्रभा दो दो, दूध में हल्दी ले लें थोड़ा, और ये सुबह दोपहर शाम 3 बार दे, सुबह शाम दूध से दे दे, दोपहर खाने के बाद पानी से दे दे, दूध चाहे 1 गिलास पी ले चाहे 1 कप पी ले, जितना पी सकें, और योगाभ्यास करवाएं, घिसे हुए कार्टिलेज चाहे स्पाइनल कोड के हैं चाहे घुटने के हैं चाहे वर्टिब्राज घिस के, सब ठीक हो जाते हैं, तो ये मंडूक आसन भी जब ऐसे झुकेंगे, 1 मिनट रुकना है, जब झुकते हैं तो ये नले भर जाते हैं, मैंने कहा नाभि डिग जाती है, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, और फिर लो वेट जो है लॉस हो जाता है, वेट बढ़ने लगता है, बीपी लो, हाई बीपी, शुगर हाई, ये हाई लो जो चल रहा है, अब देखो ऐसे पद्मासन के बाद फिर ऐसे लेट गए, अब लेटने के बाद पूरा देखो ऐसे एकदम फ्लैट हो जाना चाहिए, हाथ दोनों ऐसे सिर के पीछे, अब इसमें 1 मिनट तक ऐसे लेटे रहना है, अब देखो धीरे धीरे बैलेंस आने लगा है, पहले इस ब्रह्मचारी की कमर ऊपर थी, थोड़ा इधर नीचे की तरफ आओ स्वामी जी, एक सवाल और सुन लीजिए और जब आपको मौका लगेगा जवाब दीजिएगा जी। स्वामी जी, रिजवान हैदर जानना चाहते हैं, रिजवान हैदर कह रहे हैं कि उनके पिताजी की उम्र करीब 83 साल है, और शुरुआत जो है L3-L4 की प्रॉब्लम के साथ हुई, और फिर पार्किंसन उनके पिताजी को, और अभी के वक्त में जो परेशानी है वो डिमेंशिया भी हो गया है, और एडवांस स्टेज में डिमेंशिया है, चल फिर नहीं पाते, कमर के नीचे का हिस्सा जो है वो काम नहीं कर रहा है, क्या ऐसी दवाएं, क्या ऐसी चीज़ों का वो इस्तेमाल करें कि वो कुछ उनकी जिंदगी, कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके?
तो उनको एक तो जो अभी मैंने बताया था चंद्रप्रभा पीड़न तक अश्वशिला एक एक और मेधावटी सुबह शाम दो दो दे दें। ये अल्जाइमर ब्रेन डिमेंशिया ये जैसे रीढ़ की हड्डी में डिजनरेशन होता है तो रीढ़ की हड्डी का सीधा संबंध क्योंकि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेराफेरल नर्वस सिस्टम सीधा रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है अभी लास्ट में और बताएंगे हम एक्यूप्रेशर भी और ये जो अभी ऊर्जा का जो पूरा सिद्धांत है चिकित्सा का मैं बता रहा था। पहले इस ब्रह्मचारी की कमर में करीब एक फीट का फासला था, अब योगासन करते करते आधा फीट का अभी दो इंच का बच गया खाली। ये बहुत ज़बरदस्त है स्ट्रक्चर बैलेंस के लिए। और फिर लेट करके ही पैर सीधा कर दो। तो हैदर भाई ने जो पूछा है अपने पिता को मेधावटी दो दो चंद्रप्रभा अश्वशिला पीड़न तक एक एक और फिर जितना हो सके उनको आराम आराम से प्राणायाम कराएं। ये अल्जाइमर ब्रेन डिमेंशिया फिर धीरे धीरे पार्किंसन पैरालिसिस और फिर पूरी रीढ़ की हड्डी से लेकर की पूरे हड्डियों में बहुत तरह की दिक्कत आती है। ये उत्तान पादासन बहुत जरूरी है। एक मिनट ऐसे घुटने सीधे एड़ियां मिली हुई पंजे मिले हुए तो देखो ऐसे करना है। एक मिनट रोक करके रखना है। करो ब्रह्मचारी जी अभी अभी देखो पहले इसकी नाभि डिगी हुई थी अब अभी देखो कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। अभी अंगूठे एकदम बराबर आ गए। पहले एक तो हमने इसको लोटा रखा उस ब्रह्मचारी को जो है वो ग्लास रखा था। अब दोनों के ये देखो चेक कर ले ऐसे बहनों को भी चेक कर सकते हैं। अभी इसको मामूली सा कसर बची है अभी ये दोनों धागे भी बांधे एक एक मिनट ये करें। अब नीचे आ जाएंगे वापस ऐसे एक मिनट करने के बाद नाभि एकदम 100% परफेक्ट। फिर नौकासन दोनों तरफ से उठाएंगे दोनों तरफ से आराम से उठाओ पैर उठाइए सिर उठाइए दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर ऐसे ऐसे बने रहेंगे। स्वामी जी अभी शुरू में जब आपने नापा था तो करीब एक इंच का फासला दिखाई दे रहा था एक इंच का इंबैलेंस था। एक और बता रहा हूँ ये हमारा बहुत तगड़ा ब्रह्मचारी है। आप पूछ रहे थे ना स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ता है तो क्या होता है इतना तगड़ा होने के बाद भी देखो ये कांप रहा है। तो ये एक लक्षण है कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो ये बहुत तगड़ा ब्रह्मचारी है हमारा। मैंने बताया ना उस दिन जब हमने लॉन्ग जंप लगाया था तो जो है 15-16 फीट लंबा लगाया था लेकिन बैलेंस बिगड़ा हुआ था। जवान बच्चों का भी बुजुर्गों का भी सबको माँ बहन बेटियों का भी वापस नीचे आ जाओ धीरे 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 धीरे। आज स्वामी जी मैं भी कोशिश करूंगा कि अपना नापा जाए और पता किया जाए कि बॉडी बैलेंस्ड है कि नहीं। लेकिन दर्शक इंतजार कर रहे हैं स्वामी जी योगाभ्यास के बाद लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक्वाप्रेशर के जरिए हम कैसे अपना स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस ठीक कर सकते हैं और बैलेंस रख सकते हैं। लास्ट अभी दो आसन और है पादांगुष्ठनासास्पर्शासन दोनों पैरों के तलवे मिलाओ बेटा और तलवे मिला करके और फिर पैर खींचते हैं पैर खींच करके और ये अंगूठे दोनों मिले हुए एड़िया मिली हुई और नाभ ये ऐसे देखो नासिका लगा देते हैं इस प्रकार से ये नासिका से लगेंगे अंगूठे और बच्चों से तो इजीली हो जाएगा ये दोनों हाथ ऐसे पास में कोहनियां ऐसे इस तरह से एक मिनट ऐसे करना है और फिर एक है ये ऐसे बीच से उठा करके कंधरासन सेतु बंधासन श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लेंगे पेट पूरा अंदर चला जाएगा। एक मिनट ऐसे रखना है फिर नीचे आ गए अब फिर बाएं करवट लेकर के देखो जाओ बेटी अपने आसन पर जाओ इधर आओ देवादिति जी और देवार्चना जी ये हाथ में क्या क्या लगा है इसके बारे में भी बताते हैं और एक्यूप्रेशर के सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर क्या हो साहब मुरारी जी। तो देखो अभी आपको बता रहे हैं ये नाभि के लिए एक जबरदस्त पहले तो पॉइंट बताते हैं इधर बैठो जल्दी आओ हाँ ये मूंग लगा देते हैं चना लगा देते हैं इधर बैठो आप इधर बैठो बैठो। अब इसमें एक पॉइंट तो ये वैसे तो ये किडनी के लिए भी दबाते हैं यहाँ ये नाभि के लिए करते हो ये वाला इसके हिसाब से नाभि तो
ये नाभि के लिए हथेली के बीच में ये दाने दो, ये दाना लगा दिया टेप से, और ये चने का दाना है, चने के दाने को ये नाभि के ऊपर के लिए ऐसे हथेली के बीच में ऐसे चिपका दिया। ये तो एक तरीका है, ऐसे जैसे यदि चना है तो मोटा है तो एक से काम चल गया, और नहीं तो चार दाने लगा दिए ऐसे मूंग के, इसको भी ऐसे हथेली में ऐसे लगा देते, तो ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका बता रहे हैं, इधर से दबाते हैं तो कमर अच्छी होती है, कमर के लिए दो तीन ने प्रश्न पूछा था, इधर से दबाते हैं तो कमर अच्छी होगी, और इधर से दबाते हैं अंगूठे के मूल में यहां बहुत भयंकर दर्द होगा। आप भी अपना दबा करके चेक करके देख लो हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, मैं दबा अंदर से अपना खुद ही डायग्नोस करो। मैं कह रहा था हाँ, आपको 5 साल पहले पता लग जाएगा गड़बड़ हो रही है, 5 साल पहले अर्ली डायग्नोस, ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये अंदर से ऐसे दबाते नाभि ठीक, धरन ठीक, यहां दबाने से यदि दर्द होता तो नाभि के लिए भी ये दाना लगाते हैं, और यहां दबाने से यदि दुख रहा है तो इसका मतलब किडनी गड़बड़ है। ये बाईं तरफ देखो, यहां ये दुख रहा है, हम हार्ट के लिए भी बताने वाले हैं आप लोगों को योगाभ्यास, यहां दबाया 5 साल पहले पता लग जाएगा कि जहां आर्टरीज खुली है कि बंद है, कि इजेक्शन फ्रैक्शन कम तो नहीं हो गया है, पेसमेकर तो नहीं लगाना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी तो नहीं करनी पड़ेगी, स्प्रिंग तो नहीं लगानी पड़ेगी अंदर है? तो चाहे वो एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, चाहे वो बाईपास करनी पड़ रही है, ये 5 साल पहले पता लग जाएगा यहां दबाने से, और यहां दबाते रहो और दबाने से ही ठीक हो जाएगा। तो ये नाभि के लिए तो यहां से दबाने के लिए बताया, हार्ट के लिए यहां से, किडनी के लिए यहां से, मतलब ये स्वामी जी की भारी भारी जांचें जो डॉक्टर्स लिखते हैं वो सब कुछ हमारे हथेलियों में सिमटा हुआ है, बस जरूरत इस बात की कि बहुत गौर से आपको सुना जाए और वक्त से पहले पता भी चल जाए। हाँ बिल्कुल, रिंग फिंगर के टॉप पर दबा दिया तो स्ट्रेस का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का पता लग जाएगा। और ये नाभि दबा के लिए और पेट के लिए ये पिंडली दबाते हैं ऐसे, इसको उल्टे लेट करके भी दबाते हैं। एक आदमी उल्टा लेट गया और देखो ये देने स्वामी जी, आज इतने कारगर उपाय आपने बताए हैं कि समय का पता ही नहीं चला। अब अगर आपका संदेश हो जाए, क्योंकि मन को शुद्ध करने के लिए, आपका मन को तंदुरुस्त करने के लिए आपके संदेश की जरूरत है। देखो ये अब बाकी जो बच गया उसको कल बताएंगे जी। ये जी। स्पाइनल कोड का बैलेंस बिगड़ जाता तो स्पाइनल कोड के ऊपर इसको ऐसे घुमा देते हैं, रीढ़ के हड्डी के ऊपर। तो ऐसे अलग अलग इक्विपमेंट है, इनके बारे में और कल विस्तार से बता देंगे। और अंगूठे से लेकर के और जो है हमारी अंगुलियों के अंदर ये रिंग भी पहनाते हैं। अभी अंत में आज एक बात बता रहा हूं, मन के बैलेंस को ठीक करने का उपाय। परमात्मा ने बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के जो शक्ति सामर्थ्य नरेंद्र मोदी जी को दिया हुआ, अमित शाह जी को दिया हुआ है, जो पुतिन को दिया हुआ है, चिंपिंग को दिया हुआ है, और ट्रंप को दिया हुआ है, या बिल गेट्स को दिया हुआ है, या अडानी अंबानी को दिया हुआ है, वैसा ही शरीर, वैसी इंद्रियां, वैसा ही मन, वैसी बुद्धि, वैसी आत्मा सबके पास है। और इसका मूल्यांकन यदि करें तो ये करोड़ों अरबों खरबों की दौलत है सबके पास। बस इस शरीर की दौलत को, अपने मन की बुद्धि की विचारों की दौलत को हम योग से संभाल के रखें तो मानव मानव से, महामानव, नर से, नारायण, जीव से, ब्रह्म हो जाता है। तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्मायम आत्मा ब्रह्म शिवोऽहं शिवोऽहं। और यही यात्रा है हमारी योग की, यही आज का संदेश है। तो तन के इम्बैलेंस के साथ मन का इम्बैलेंस कैसे ठीक होगा, स्वामी जी के संदेश से आप जान चुके हैं। आउट ऑफ कंट्रोल डाइट से अगर आपकी सेहत बिगड़ जाए, कल क्या है खास वो अब जरा स्वामी जी बता देते हैं लोगों, दर्शकों को। डाइट ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम्स, आर्टरीज ब्लॉकेज में अगर आपको टेंशन दे रही है तो स्वामी रामदेव के साथ ज्वाइन कीजिए हार्ट स्पेशल क्लास, ताकि आप दूर कर सकें अपना कोलेस्ट्रॉल। तो कल दिल के मरीजों के लिए खास लगेगी स्वामी रामदेव की क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम।